हेलो दोस्तों तो शुरू करते हैं इसका हम सेटअप मोड अभी हम इसको ऑन करते हैं स्विच को और ओम श्री गणेशाय नवा ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है हमने इसका पावर स्विच कर दिया है ऑन तो ये देखिए दोस्तों आपका डिवाइस ऑनलाइन हो रहा है दिस मे टेक अ मोमेंट इसमें मे बी शायद ये अभी ऑटो फ्रेमिंग और जो इसका सर्चिंग फॉर नाउ करेंटली इट इज़ सर्चिंग फॉर नेटवर्क सो अभी हम इसमें वाईफाई कनेक्ट करेंगे एंड उसके बाद हम इसको एक्सेस करेंगे फैचिंग रजिस्ट्रेशन स्टेटस ये मैंने मेरे अकाउंट से ऑलरेडी लॉग इन करके बोला था इनको तो अमेज़ॉन ने सेटअप करके दिया होगा आई थिंक मे बी शायद हमें सिर्फ वाईफाई की इन्फॉर्मेशन देनी होगी उसके बाद ये ऑटो कम्प्लीट हो जाएगा सेटअप इसका तो आइए देखते हैं अभी शुरू हो रहा है ये ये बेसिकली काफ़ी अच्छा डिवाइस है हमने ये हमने ऑल न्यू इको डिवाइस परचेज किया था इको शो है एट इको शो एट एट इंच स्क्रीन है इसका और सेकेंड जनरेशन मॉडल है ट्वेंटी ट्वेंटी वन रिलीज है इसका एट इंच स्क्रीन साइज़ है इसका स्टीरियो साउंड्स हैं और हैंड्स फ्री एंटरटेनमेंट विद एलेक्सा देखिए मैंने सिर्फ अभी इसको सेटअप uh, वेटअप दिया था मेरे जो वाईफाई अकाउंट में जो पासवर्ड वगैरह था इसने अपने आप सेटअप किया और सारी इन्फॉर्मेशन इसने अपने आप निकाल लिया ये बता भी रहा है दिस इको शो एट सेकेंड जेन इज़ रजिस्टर्ड टू पंकज इफ दैट इज़ यू टैप यस टू यूज़ पंकज करंट बिलिंग इन्फॉर्मेशन ठीक है ये मैंने मेरे अकाउंट से परचेज किया था तो मेरे अकाउंट से ही लिंक है अब मैं इसमें यस yes करूँगा तो दैट इज़ मी यानी कि मैं पंकज हूँ ठीक है तो मैं इसको दैट्स मी करता हूँ और ये आगे इन्फॉर्मेशन देगा और ये हमारा मास्टर बेडरूम में रखना है लिविंग रूम में रखना है किस में ये कॉमन ग्रुप्स हैं बेसिकली मैंने एक मास्टर बेडरूम ग्रुप बना रखा है हॉलवे बेसिकली ठीक है तो हॉलवे के लिए रखते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं ये मेरे डिवाइस का नेम है बेसिकली ये वॉल पेपर चूज़ करने के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है ठीक है तो एब्स्ट्रैक्ट शेप्स वगैरह रखना है आर्ट रखना है ट्रैवल रखना है नेचर सीजनल इस तरीके से इनफॉर्मेशन है तो ये मैं ट्रैवल पे चूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ट्रैवल नेचर ये दोनों अच्छे लगते हैं तो मैं अभी एक ट्रैवल या फिर नेचर नेचर मेरा और बेस्ट है तो मैं नेचर सिलेक्ट करता हूँ एंड आगे कंटिन्यू करता हूँ नाउ इट इज अपडेटिंग माई ऑल सेटिंग्स टू अमेजोन अकाउंट ठीक है नाओ अमेजोन इकोशो कैन हेल्प यू मोनीटर यूर होम तो हमें ये एनेबल करना है या नहीं करना है क्योंकि अगर ये अनेबल होगा तो आप वीडियो स्ट्रीमिंग के थ्रू आपके घर में क्या हो रहा है आप वो चेक कर सकते हैं ये मुझे इनेबल करना है और इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दिया ऑल सेट दिस इको शो विल नाउ अपीयर एज अ कैमरा इन योर एलेक्सा ऐप जो मेरी मोबाइल एप्लीकेशन है एलेक्सा ऐप वहाँ पे हम ये कैमरा शो कर सकते हैं गो टू डिवाइसिस कैमराज इन द ऐप टू ट्राई अ लाइन व्यू लाइव व्यू ठीक है तो मैं लाइव व्यू चेक कर सकता हूँ तो यहां पे हम देख सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा टू तो कस्टमाइज कैमरा फीचर्स गो टू तो सेटिंग्स ऑन दिस डिवाइस ये भी हम इसको डन करते हैं सब ये अभी इसका नाउ इट इज गिविंग मी इंफॉर्मेशन दिस डिवाइस इज रेडी सो नाउ it is getting ready to use you can broadcast a message on all of your devices like an intercom i won't actually send out this announcement but try saying announce dinner's ready announce dinner ready announcing i cancel that announcement for now this is a great way to send messages to everyone in your household

It's you like can that. manage items in your shopping list at the end of this introduction either by asking me or through your mobile app. I can translate words and phrases for you. Try saying, how do you say happy birthday in Spanish? Alexa, how do you say happy birthday in Spanish? Happy birthday in Spanish is... Feliz, Feliz. cumpleaños. Oh, very nice. Great. You can ask me to translate words and phrases anytime. Next, I'll show you how to navigate your device. Here are two tips. First, you can swipe in from the right edge of the screen to discover new things, like automating and securing your home with smart devices. Second, you can swipe down from the top to turn on Do Not Disturb, or customize your home screen and settings. Finally, From time to time, you'll see hints on your home screen of things you can try. Alrighty, we could celebrate with a dance party. To play music on all your devices at the same time, just tell me to play music everywhere. अभी ये फुल सेटअप हो चुका है सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका है तो आइए देखते हैं तो देखते हैं दोस्तों अभी इसमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये ये इधर से कुछ एरो बटन दे रहा है यहाँ पे कम्युनिकेट के लिए है म्यूज़िक है वीडियोस है रूटीन्स है और स्मार्ट होम के लिए है जैसे आपका कोई स्मार्ट बल्ब है तो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं जैसे मेरे फ़ोन में अभी एक ये बेडरूम लाइट है एक हेलोनिक्स का ये बल्ब है और एक लिविंग रूम लाइट है तो मैं अभी आप इसको इसको ऑन भी करके दिखाऊँगा सेटअप भी करके दिखाऊँगा यहाँ से एक ऊपर से भी नोटिफिकेशन बाहर है ये होम के लिए है ये ब्राइटनेस के लिए है ये ब्राइटनेस डाउन के लिए हो गया ये ऑटो ब्राइटनेस भी होगा मे बी शायद इसमें एक ये नॉट डिस्टर्ब है एक सेटिंग्स इंफॉर्मेशन है सेटिंग्स में आपका ब्लूटूथ कोई कनेक्टेड है यहाँ पे नेटवर्क रिलेटेड है ठीक है यहाँ पे आपका कोई भी है यहाँ पे की कीबोर्ड भी आएगा जैसे तो यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस इंफॉमेसन दिया हुआ है एडेप्टिव ब्राइटनेस भी है अगर आप एडेप्टिव नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज करेगा बट अगर आप एडेप्टिव कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा जैसे आपके फ़ोन में होता है ये सनराइज़ इफ़ेक्ट है एडेप्टिव कलर्स वग़ैरह हैं बेसिकली अगर अडेप्टिव कलर्स करते हैं तो ब्राइटनेस आएगा कलर में ऑटोमेटिकली अपडेट होगा बेसिकली ये क्लॉक एंड फ़ोटो डिस्प्ले के लिए है तो फ़ोटो के लिए अगर आपको जैसे कोई आपके फ़ोटोज़ कोई एप्लीकेशन है जैसे फ़ेसबुक का एल्बम चूज़ करना है तो फेसबुक लॉग है तो फेसबुक की जितनी फ़ोटोज़ होंगी आपके अकाउंट में वो शो करेगा बेसिकली यहाँ पे एलेक्सा फ़ोटो ऐप ऐप फोटो करके कोई होगा कोई एलेक्सा है डिवाइस बेसिकली कोई एप्लीकेशन होगी जहाँ पे आप कुछ फोटोज अपलोड करेंगे एंड वो फोटो एल्बम आपको यहाँ पे नजर आएंगी कुछ एक पर्पस बेसिकली इसका ये है कि एक फ़ोटो फ्रेम होगा बेसिकली ठीक है तो ये कुछ इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दी हुई है नाइट मोड है अगर आपको रखना है नाइट मोड भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बेसिकली एक नाइट लैम्प की तरह काम करेगा ये ये ऑटो स्लीप है ये ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक का अगर आपको यूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकते हैं बेसिकली ये एडवांस ऑप्शन में ही आपके ये हैं बेसिकली तो यहाँ पे हम वापस जाते हैं यहाँ में होम कंटेंट है ये साउंड्स रिलेटेड है साउंड में आपका मीडिया का साउंड कितना होगा एक्वेलाइजर के लिए है सेंडिंग अलार्म अलार्मस आपका बेसिकली स्टार्ट ऑफ रिक्वेस्ट है एंड ऑफ रिक्वेस्ट के लिए है ठीक है तो ये आप ये ऑन कर सकते हैं अगर ऑन नहीं करना है तो आप हटा भी सकते हैं स्टार्ट ऑफ रिक्वेस्ट कि बेसिकली ये साउंड होता है जब आप अलेक्सा बोलते हैं तो एक ये साउंड प्रेजेंट करता है एलेक्सा ये साउंड अगर मैं ये बंद कर दूंगा तो फिर ये साउंड नहीं आएगा एलेक्सा ये देखिए दिस इज द स्टार्ट ऑफ रिक्वेस्ट अगर किसी को कोई इसकी तरफ नहीं देख रहा है तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली sure. ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज़ लिसनिंग एलेक्सा इज लिसनिंग और एंड रिक्वेस्ट भी सेम इट्स लाइक दैट कि जैसे स्टार्ट का साउंड आ रहा है ऐसे ही एंड का रिक्वेस्ट आएगा तो हम इसको ऑन करके रखते हैं सो so दैट इसके यूजेबल हो जाए एक ये मोड दिया हुआ इन्होंने डू नॉट डिस्टर्ब का ये कैमरा के लिए है बेसिकली होम मॉनिटरिंग के लिए ऑन रहता है क्योंकि जो कि हमने स्टार्टिंग में ऑन रखा था वीडियो डिले अगर आपको देना है बेसिकली उसके लिए ऑडियो अलर्ट प्ले ऑन अलर्ट व्हेन योर कैमरा बिगिन स्ट्रीमिंग स्टार्टिंग में अगर आपको ऑडियो अलर्ट देना है किसी को बेसिकली अगर आपका कैमरा ऑन है जैसे आप घर से कभी जा रहे हैं और आपको लाइव uh, चेक करना है कि आपके घर में अभी कौन कौन प्रेजेंट है आप कौन की एक्टिविटीज़ देखनी है बेसिकली ये बेबी रूम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है आप बेबी के रूम में रख सकते हैं इसको बेसिकली ये कम्युनिकेशन हो गया डिवाइस ऑप्शंस आपके क्या क्या होंगे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा लेटेस्ट वर्जन दिखा रहा है अभी अगर आपको ये चेक करना है अपडेट डिवाइस सॉफ्टवेयर बेसिकली ये वो चेक कर रहा है कि कोई अपडेट वगैरह आया तो नहीं है अगर वो कोई अपडेट आया हुआ तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा आपके इसको डिवाइस को ये देखिए म्यूज़िक आप यहाँ से चला सकते हैं ये देखिए दोस्तों ये हमारे रिसेंटली प्लेड म्यूज़िक है जितना भी है आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी गाना आपको चलाना है ये यहाँ पे वीडियो है बेसिकली ये देखिए वीडियो में आप यहाँ पे प्राइम वीडियो भी चला हैं। सकते हैं नेटफ्लिक्स आप यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं बिंग यूज़ कर सकते हैं रेड बुल है और ये देखिए दोस्तों ये आप यहाँ पे बेसिकली ये एक छोटा टीवी है आप ये देख सकते हैं मतलब देखिए ना कितना शानदार बनाया है यहाँ पर आप प्राइम वीडियो यूज़ कर सकते हैं नेटफ्लिक्स आप अकाउंट यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब चला सकते हैं अमेज़ोन औरिजिनल्स ये बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी अमेजन औरिजिनल में जाते हैं और देखते हैं ये क्या मिलता है इसमें यहाँ पर व्हील ऑफ़ टाइम मेरेडोना बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें जैसे अब सिंड्रेला का हम शो चला के देखते हैं कि साउंड कितना होगा और वॉल्यूम हम कम ज़्यादा करके दिखाएँगे ये देखिए दोस्तों, दोस्तों। काफ़ी वॉल्यूम इसका काफ़ी अच्छा है आप देख सकते हैं अभी जस्ट हमने थोड़ा सा ही चला के देखा था काफ़ी अच्छा लग रहा था साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है एंड जो बास है बेसिकली एक इसमें बास रिफ्लेक्टर भी लगा है और uh, साउंड को बास देने के पर्पज़ से और ड्यूल स्टीरियो साउंड है इसमें हम आपको एक कोर सेटिंग करके दिखाते हैं सो so दैट आप इसको ट्रैक कर सकें कि अगर आपको ये बेबी रूम में रखना है या वीडियो कॉलिंग करनी है बर्पस से इस तरीके से तो ये देखिए दोस्तों अभी मैं जो हमारा बेसिकली लाइव ऐप होता है जिससे हम वीडियो देख सकते हैं तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ डिवाइसेस में जाके यहाँ पे एक कैमरा का आइकन आने लग गया है जैसे ही मैं इस पर कैमरा पे, पे आइकन पे क्लिक करूँगा तो ये इन्फॉर्मेशन ये देने लग गया है अमेजोन इको डिवाइस एट्थ सेकेंड जैन मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो अभी देखिए कुछ एक नोटिफिकेशन आना चाहिए ये देखिए ए हाउस होल्ड मेम्बर इज व्यूइंग योर कैमरा एंड यहाँ पे अभी ये कैमरा कैमरा व्यू दिखाने लग गया है ये देखिए थोड़ा सा इसमें जर्क है बेसिकली कि मेरा वॉइस पहले आ रहा है और वहाँ पे वो दिख रहा है डिफरेंस दिख रहा है बेसिकली यहाँ पे मैं इसका माइक ऑफ कर सकता हूँ या ऑन कर सकता हूँ और ये स्पीकर भी है इस परपज से तो अभी हम एक वीडियो कॉल ट्राई करके देखते हैं कि वीडियो कॉल हम इसमें कर सकें ये अभी दिख रहा है हम इसको लाइव देख रहे हैं तो ऊपर लाइव भी कैमरा लिखा हुआ है इसमें तो अभी इसको हम क्लोज करते हैं ये इसके बटन से स्टॉप से यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दे दिया था इसने वैसे जब हम ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे तो ये इसने बंद कर दिया था अभी देखते हैं कि इसमें हम वीडियो कॉल कैसे कर सकते हैं एम इको डिवाइस एट्थ चैन और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ड्रॉप इन ड्रॉप इन हमने स्टार्ट किया है तो देखते हैं ड्रॉप इन में क्या इन्फॉर्मेशन आती है हमारे सामने ये यहाँ पे या तो ऑडियो कॉल होना चाहिए या वीडियो कॉल होना चाहिए आई थिंक ये अभी करेगा नहीं क्योंकि हम दोनों सेम नेटवर्क पे हैं तो ये ऐसा कुछ इसमें इशू आता है बेसिकली के सेम नेटवर्क पे होते हैं तो ये कॉल नहीं करता है अभी हम ड्रॉप इन ट्राई करते हैं ये देखिए दोस्तों मैं इसका स्पीकर बंद करता हूँ सो दैट हम इसको एक्सेस कर सकते देख सकते हैं इसमें मेरा मोबाइल का व्यू भी है और ये दोनों व्यूज़ हैं अभी के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है आ, हम इसको सेटअप मोड में और ट्राई करके देखेंगे थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को हमारे न्यू अपडेट्स नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएंगे थैंक यू